उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रहे बुखार और डेंगू के मरीजों में मुरादाबाद जनपद में भी खासी संख्या सामने आई है। आज सोमवार और सुबह से ही जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है। पूरा ओपीडी मरीजों से अटा पड़ा है। वहीं अस्पताल के मेडिकल वार्ड भी मरीजों से फुल हैं। इस बाबत जब मुरादाबाद CMO MC गर्ग से बात की गई तो उनका कहना था कि बुखार तो कंट्रोल है, पर जनपद भर में जो जांच टीमें काम कर रही हैं उनमें सामने आए कि लगभग एक दर्जन मरीज डेंगू के और 8 मरीज मलेरिया के सामने आए हैं। और जहाँ तक ओपीडी में बढ़ते मरीजों की संख्या है तो वो बिल्कुल सही है, मरीज तो बढ़ ही रहे हैं। परसों से भरती हैं हम। क्या हुआ, कुल प्लेटें गिर गई थी मेरी। तो यहाँ जब हम घर से जब चले तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो हैं भरते हुए हम जल्दी में परसों शाम से। ये वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर तो पता नहीं, वार्ड नंबर बुखार वाला। हाँ बुखार वाला ही है। अभी बुखार ही नहीं टूट रही है इनका, बुखार नहीं टूट रही है। दवा खा में जब आराम हो जाए फिर आ जाए। इसमें होगा चौथे दिन आ जाओ। मैं क्या इलाज चल रहा है? वैसे इलाज जांचें भी करवा ली, जांच में भी कुछ नहीं आया। अब ये वो कमजोरी बता रहे हैं, कमजोरी बहुत है। बुखार तो कई होगा तो बताइए। दिन से बुखार को प्राइवेट कर जाता, डॉक्टरों से इलाज कर जाता, कुछ पैसे के चक्कर में दवा ना हो पाई। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम भी है। अब वही है, बुखार आ रिया चढ़ लिया बस। बुखार के ही हैं और पता पकाई गई मैं बुखार वो है बुखार वाला बाइक जी सर। डॉक्टर साहब, बुखार की डेंगू की वर्तमान आज की स्थिति क्या है जब तुम मुरादाबाद की बात करें? जी आपने इस समय वर्तमान में स्थिति के मद्देनज़र जो सवाल किया है, मुरादाबाद जनपद में अभी जो सर्वे चल रहा है और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आने वाले रोगियों की जांच के परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि अभी बुखार की स्थिति नियंत्रण में है। करीब 12-13 केस मलेरिया डेंगू के और 7-8 केस मलेरिया के प्रकाश में आए हैं, जिनका समुचित उपचार एवं वहां पर मच्छर रोधी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक ये बुखार का सीजन चल रहा है। ओपीडी में बहुत भीड़ है, आज की बात करें तो लगभग कई गुना पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए आपका ये बात बिल्कुल सही है कि ओपीडी में भीड़ बढ़ी हुई है। भीड़ बढ़ी हुई होने का एक कारण ये भी प्रकाश में आया है कि कोविड में बहुत अच्छे काम के दृष्टिगत जन विश्वास राजकीय चिकित्सालयों में बढ़ा है और जनता बाहर का इलाज अत्यंत महंगा होने के कारण काफ़ी संख्या में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को का उपभोग कर रही है।